गीता महात्म्य के अनुसार भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, भय शोकादि वर्जितः। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसारमलम नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। चूंकि भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्राद्विनिस्सतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र एक ईश्वर एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा।